लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स, द बेस्ट प्रेगनेंसी सेंट्रिक चैनल। दोस्तों, कई महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कब्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो ये कब्ज की प्रॉब्लम जो है हार्मोनल बदलाव के कारण होती है और बहुत सी महिलाओं को इससे जूझना भी पड़ता है। और ये समस्या कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है कि बिना इलाज के इसकी रोकथाम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस कब्ज की समस्या से आपको पेट में दर्द, अपच, गैस और यहाँ तक कि पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गर्भावस्था के दौरान कब्ज होने के क्या कारण होते हैं, कैसे इसकी रोकथाम की जाती है, क्या उपचार इसमें होना चाहिए और क्या क्या सावधानियां गर्भवती महिलाओं को इस दौरान रखनी चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज होने की जो प्रॉब्लम होती है इसका कारण जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बेसिकली इस हार्मोन का काम होता है आंतों की मांसपेशियों सहित शरीर की सारी मांसपेशियों को आराम देना। और आंतों की मांसपेशियों का आराम से काम करने की वजह से भोजन का पाचन धीमी गति से होने लगता है और इसी के परिणाम स्वरूप कब्ज होने लगता है। लेकिन कब्ज होने का सिर्फ यही कारण नहीं होता है, कब्ज होने के और भी कारण होते हैं, जिसमें कि गर्भावस्था के दौरान चिंता करना, तनाव करना, कम डाइट लेना, कम फाइबर लेना, हाई कैलोरी या फिर तला हुआ नाश्ता करना, जंक फूड आदि का सेवन करना, ये सभी कारण हो सकते हैं इस दौरान कब्ज की प्रॉब्लम होने की। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं को आयरन की गोली या फिर फॉलिक एसिड की गोली लेने से भी कब्ज की समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कब्ज होने पर इसके रोकथाम के बारे में। तो आपको बता दूं कि अगर आप भी कब्ज की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आपको बता दूं कि आप सब्जियां, फल, अनाज, अंकुरित अनाज का सेवन करती हैं और अपनी डाइट में रोजाना 30 से लेकर 35 ग्राम फाइबर को जरूर शामिल करना चाहिए। फाइबर जो होता है वो हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखता है और हमारा पेट इससे साफ रहता है। और अगर हमारा पेट साफ होता है तो इस वजह से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। इसमें आप केले, ब्रोकली, अंकुरित अनाज, खुमानी, नारियल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। और गर्भावस्था में कब्ज को रोकने के लिए आप ताजा सेब, अंजीर, केले, स्ट्रॉबेरी, सेम, प्लम इत्यादि का सलाद बनाकर भी खा सकती हैं। तो कब्ज की रोकथाम के लिए सबसे बेहतर है कि आप दिन भर में 10 से लेकर 12 ग्लास तक पानी का सेवन जरूर करें, खूब सारा पानी पिए और अच्छी मात्रा में फाइबर डाइट लें। तो इससे क्या होता है कि शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और पानी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। और इसके अलावा ये अतिरिक्त नमक जो आपके शरीर में होता है इसको बाहर निकालता है, जिसकी वजह से आपको सूजन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। इसके अलावा कब्ज की रोकथाम के लिए आपको योगा जरूर करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान योग के कई फायदे होते हैं। योग से शरीर में लचीलापन तो आता ही है, साथ में आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती है। कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको इस दौरान कम खाना खाना चाहिए, लेकिन सही समय पर आपको खाना खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान हर दो दो घंटे में अच्छी डाइट आपको लेनी चाहिए। एकदम से तला भुना खाना खाने से आपको बचना चाहिए। इसकी जगह आप हर दो घंटे में हेल्दी फूड खा सकते हैं और इससे न केवल आपका पेट सही रहता है बल्कि आपको टाइम टाइम पर एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी आपको गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान कब्ज होने पर इसके उपचार के बारे में। तो कुछ घरेलू उपचारों से आप कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नींबू पानी। जी हाँ दोस्तों, नींबू पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। गर्मी हो या सर्दी, इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको क्या करना है, आपको आधा नींबू निचोड़कर इसको पानी के साथ पीना है। अगर आप सुबह खाली पेट या फिर सोने से कुछ देर पहले इसको पी ले तो आपको इस दौरान कब्ज की समस्या से आराम मिलता है। लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर परामर्श ले। इसके अलावा घरेलू उपचार में फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, जो कि आपको कब्ज की समस्या से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा इसबगोल की भूसी भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है कब्ज की समस्या से निजात दिलाने के लिए। इस भूसी को पानी या फिर दही के साथ मिलाकर आप ले सकती हैं, इससे आपको कब्ज की समस्या से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। इसके अलावा नारियल तेल जो होता है इसमें फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होती है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ावा देती है और आंतों और कोशिकाओं को एक्टिव करता है। तो 1 से लेकर 2 चम्मच नारियल का तेल आप रोजाना खाना बनाने में अगर आप इसको इस्तेमाल करती है तो काफी हद तक कब्ज की समस्या से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप नाश्ते के टाइम में रोजाना गर्म पानी के साथ ताजे सेब का रस पीती हैं, तो इससे भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम से
मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कब्ज की समस्या होने पर आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, ये बताने से पहले ये बता दूं कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चों की केयर कैसे करें, इसके लिए हमारे बेबी केयर सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है। और साथ ही इसी तरीके की प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में सुनने के लिए हमारे इंग्लिश चैनल हेल्थ ट्रिक्स एंड टिप्स इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें। का लिंक ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहा है और दोनों चैनल के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि कब्ज की समस्या के दौरान आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको तुरंत तला भुना जंक फूड इत्यादि खाना खाने से बचना चाहिए और नियमित रूप से आपको सुबह और शाम को एटलीस्ट 15 से लेकर 20 मिनट तक टहलना चाहिए। टहलने से होता क्या है कि आपने जो भोजन किया होता है वो अच्छे तरीके से पच जाता है और इस तरीके से आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है और आपको इससे राहत मिलती है। इसमें आपको एक सावधानी और रखनी है कि आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस की कोई भी दवाई नहीं लेनी है और अगर आपको आयरन या फिर फॉलिक एसिड की दवाई खाने से कब्ज की समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से पेट साफ करने की दवाई ले सकती है। और फिर भी अगर आपको इस दौरान कब्ज की समस्या बनी रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।